गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बाइजेक्टिव फंक्शन तक। बाइजेक्टिव फंक्शन तक हम लोग देख लिए थे, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, वैसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। किस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं? वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को कॉम्बिनेशन के रूप में क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। सिर्फ और सिर्फ वन वन फंक्शन को क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। सिर्फ और सिर्फ अगर वन वन फंक्शन की बात हो तो वो क्या होगा? इंजेक्टिव फंक्शन। और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता था? ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते थे। वन वन फंक्शन क्या था कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट था, फर्स्ट गोले में जितना भी एलिमेंट था, वो सेट बी के एलिमेंट, सेट बी में जो भी एलिमेंट था, जैसे ए बी सी सेट ए में था और सी डी एफ यहाँ पे सपोज कीजिए एलिमेंट है, तो वन वन फंक्शन में क्या होता था कि ए से जो एरो जाएगा वो सेट बी के एक ही एलिमेंट पे एरो जाएगा। इस फंक्शन से आने वाला एरो सेट बी के, यानी कि सेट ए के फंक्शन से आने वाला एरो सेट बी में एक ही एलिमेंट के पास एरो जाता था, तो वो वन वन फंक्शन कहलाता था। अगर एक से अधिक मैनी सेट बी में मैनी एलिमेंट पे एरो जाता था तो वो क्या कहलाता था? मैनी वन फंक्शन। ओके, ऑन टू फंक्शन क्या था? कोडोमेन और रेंज इक्वल होगा तो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो एन टू फंक्शन। ओके, कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल नहीं हुआ तो ऑन टू इनटू फंक्शन, सॉरी कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं हुआ तो इनटू फंक्शन, अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया तो ऑन टू फंक्शन। कोडोमेन क्या था? ये सेट ए क्या कहलाया था? डोमेन। और सेट बी क्या कहलाया था? कोडोमेन। और सेट बी के अंदर जहाँ पे एरो जा रहा था वो क्या कहलाया था? रेंज। रेंज और कोडोमेन क्या था? सेट बी। कोडोमेन क्या था? सेट बी का एलिमेंट्स। और सेट ए का एलिमेंट क्या कहलाया था? डोमेन, ठीक है। कल हम लोगों ने ये देखा था। अब देखिए आगे, इससे आगे हम लोग देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन जो है, वन वन ऑन टू फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन जिसको कहते हैं, उसी फंक्शन को इनवर्स फंक्शन। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारा आज का टॉपिक है। इनवर्स फंक्शन क्या होगा? किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा? क्वेश्चन है आपके सामने, अगर पूछेगा किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है तो बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलेंगे? वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन। इनवर्स किसका पॉसिबल होगा? इनवर्स किसका पॉसिबल होगा? जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो। तो लिखिएगा आप लोग, ए फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्सिबल फंक्शन का डेफिनेशन लिख रहे हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्सिबल फंक्शन, इफ इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन के ब्रैकेट में लिखिएगा वन वन और ऑन टू, ऑन टू वन वन और ऑन टू, ठीक है। इनवर्स फंक्शन हो गया। इनवर्स फंक्शन क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन, जो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उसका ही इनवर्स पॉसिबल होगा, वही इनवर्सिबल फंक्शन कहलाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, एक फंक्शन है वो इनवर्सिबल फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनवर्सिबल फंक्शन। कब कहलाएगा? जब वह एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन है? वन वन फंक्शन भी और वन टू फंक्शन भी अगर साथ में हो तो बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे देखो यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ से डी पे एक एरोज, ई पे एक एरोज और एफ पे एक एरोज, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट पे एक एरोज आ रहा है, तो वन वन फंक्शन हुआ। और इसमें कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कितने टाइप का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी ITF होता है, उसका क्या को आइडेंटिटीज होता है, ठीक है। तो सिक्स टाइप्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आइडेंटिटीज होता है, ठीक है। वी हैव सिक्स टाइप्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर अगर आप लोग जिस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं उस ऑर्डर में लिखेगा तो आप लोगों को ग्राफ याद करने में बहुत ही इजी होगा। ओके, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड टेन इनवर्स एक्स, फोर्थ कॉट इनवर्स एक्स, फिफ्थ कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, फिफ्थ हम लोग कोसेक इनवर्स एक्स को रख रहे हैं, कोसेक इनवर्स एक्स, और सिक्स्थ सेक इनवर्स एक्स।
सबसे लास्ट में sec इनवर्स x को दे रहे हैं। ध्यान से देखना भाई, फिफ्थ में मैंने sec को नहीं लिखा है, फिफ्थ में cosec को लिखा और सिक्स में sec इनवर्स x को, ठीक है। इसका ग्राफ और डोमेन और रेंज देखेंगे, ध्यान से देखना, देखो ठीक है। ग्राफ के लिए एक 2D प्लान लिए, ध्यान से देखना मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या हुआ, 4, 5 सिक्स्थ में वो sec इनवर्स x का ग्राफ मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ऊपर था, बीच में था, सॉरी नीचे। अब देखो ध्यान से देखना, ये ग्राफ जो है इसमें मैंने एक जगह पे देखो, पहले बीच में से x एक्सिस को दिया, फिर x एक्सिस नीचे किए, फिर बीच में, फिर नीचे, फिर बीच में, फिर नीचे, इसी सीरियल बीच में नीचे इसी सीरियल को मेंटेन करने के लिए मैंने पहले कोजेक इनवर्स x लिखा और फिर sec इनवर्स x, ओके। तो देखो sin इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, sin इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, और cos इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है, tan इनवर्स x का ग्राफ, ध्यान से देखो ये जो cos इनवर्स x का ग्राफ है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये इसको जब आप एंटी क्लॉकवाइज सॉरी इस डायरेक्शन में जब आप इसको रोटेट करोगे ना तो वो tan इनवर्स x का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो देखो ये इधर आएगा ऐसे ऐसे और फिर इधर ऐसे, ओके ठीक है, ध्यान से देखना। ये याद ग्राफ को आप पहले एक बार ध्यान से देखो, ग्राफ को एक बार ध्यान से देखो, तो मैं तब तक इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद अब देखो ये sin इनवर्स x का ग्राफ, ये cos इनवर्स का और ये tan इनवर्स x का, क्या ये ग्राफ याद हुआ, ये ग्राफ याद हुआ नहीं, ध्यान से देखो, ये देखो cos इनवर्स x का ग्राफ तुरंत अभी तुरंत याद हो जाएगा, ये cos इनवर्स x का ग्राफ, इसको ध्यान से देखो ये कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, क्या हिंदी में हम लोग बचपन में फो इसी तरह से लिखते थे क्या, फो 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 फो, cos इनवर्स x का ग्राफ देखो फो के तरह, ध्यान से देख भाई cos इनवर्स x का ग्राफ बिल्कुल फो के तरह, ध्यान से देख cos इनवर्स x का ग्राफ फो के तरह। अब देखो sin इनवर्स x का ग्राफ क्या है, sin इनवर्स x का ग्राफ देखो, इस फो को आप उल्टा करो, इस फो को उल्टा दो, देखो देखो इसका मिरर इमेज लेंगे, दर्पण प्रतिबिंब, इसको जैसे उल्टाओगे ये ऐसे, ये एरो इधर आएगा क्या और ये एरो इधर आएगा क्या, जब इसका मिरर इमेज लोगे देखो ये ऐसे आएगा, क्या ऐसा होगा क्या इसका मिरर इमेज, ध्यान से देखना, तो ये इधर उल्टेगा, यस। तो देखो क्या यही ग्राफ sin इनवर्स x का है क्या, ये फो का उल्टा sin इनवर्स x का ग्राफ है, यस। देखो अब ध्यान से देखना cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा था, फो, और उसका उल्टा क्या था, sin इनवर्स x का। अब देखो tan इनवर्स x का ग्राफ सिंपल, इस फो को आप इस तरह से रोटेट करो, इस फो को आप झुका दो, ये tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया, ओके tan इनवर्स x का। तो देखो cos इनवर्स x का ग्राफ फो, sin इनवर्स x का ग्राफ उल्टा फो, और tan इनवर्स x का ग्राफ लेटा हुआ फो, फो उल्टा फो लेटा हुआ फो, फो उल्टा फो लेटा हुआ फो, याद रहेगा, ओके। अब देखो इसका डोमेन हम लोग देखते हैं, ये माइनस पाई बाय टू है नीचे, ये पाई बाय टू, ओके, ये जीरो, ये ऊपर वाला पाई, ठीक है, ऐसा ही सारा जगह पे जिसमें कि बीच में लाइन है एक्स एक्सिस, उसमें नीचे माइनस पाई बाय टू और ऊपर पाई बाय टू। अब देखो हम पहले इसका डोमेन लिख रहे हैं, क्या डोमेन, देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, ये प्लस वन, ये माइनस वन, क्या ये प्लस वन, ये माइनस वन, इस वैल्यू को प्लस वन और इस वैल्यू को माइनस वन, ठीक है, ग्राफ जहाँ पे जा रहा है ये प्लस वन है और ये माइनस वन। अब इसका देखो sin इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, डोमेन ध्यान से देखना, डोमेन डोमेन x से बिलोंग करेगा, ठीक है, ध्यान से देखो डोमेन होगा क्या,
क्या होगा, माइनस वन से वन तक आ रहा है हमारे ग्राफ। ध्यान से देखो हमारे ग्राफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहे हैं, माइनस वन से वन तक, माइनस वन से वन। क्या माइनस वन इंक्लूड है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की बारी आई? ये मैंने आपको कल बताया था कि ओपन इंटरवल में हॉलो सर्कल जिसको इंक्लूड नहीं करना था और क्लोज इंटरवल में फिल सर्कल जिसमें इंक्लूड करना था उस पर्टिकुलर नंबर को। ध्यान से देखना यहाँ पे भी हमारा ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, इसको टच कर रहा है, माइनस वन वाले लाइन को टच कर रहा है, और यहाँ पे भी प्लस वन वाले लाइन को टच कर रहा है, तो क्या होगा क्लोज इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू दी, ये डोमेन हो गया। अब देखो इसको, इसका रेंज क्या होगा, ध्यान से देखना रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये रेंज ग्राफ का रेंज देखो यहाँ से यहाँ तक, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। देखो माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू को इंक्लूड करना है, चूंकि माइनस पाई बाय टू पे भी हमारे ग्राफ आ रही है और पाई बाय टू पे भी हमारे ग्राफ आ रही है। देखो डोमेन जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और रेंज जो होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग में होता है। ध्यान से देख ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे इस एक्सिस पे हमारा जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, इस एक्सिस पे देखो यही है ना, इसी से इसी जगह तक ना हमारा ग्राफ मूव किया था, तो ये इसका डोमेन हुआ, और वाई एक्सिस पे रेंज रहता है। ध्यान से देखना ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ रेंज, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, ठीक है। अब देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक बार देखो फिर से ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन फाइंड कर रही थी, डोमेन लिख रहे थे हम लोग साइन इनवर्स एक्स का डोमेन। मैंने क्या कहा डोमेन क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना भी डिस्टेंस आपको मिलेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारी ग्राफ जहाँ तक जाएगी वो डोमेन कहलाएगी, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारी ग्राफ जहाँ तक जाएगी वो डोमेन कहलाएगी, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारी ग्राफ जहाँ तक जाएगी वो रेंज कहलाएगी। अब देखो ध्यान से देखना, एक्स के लिए हम डोमेन लिख रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, देखो ध्यान से देखना हमारे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन से वन तक, माइनस वन से वन तक, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, ठीक है। अब क्या हम माइनस वन को लेंगे और प्लस वन को लेंगे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बारे में कल बताए थे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बारे में कल क्या बताए थे भाई, देख ध्यान से देखना, अगर ए कमा बी ओपन ब्रैकेट है तो इसमें ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, बीच के सारे एलिमेंट को इंक्लूड करना है। क्लोज ब्रैकेट के केस में क्या होगा, ए और बी दोनों को इंक्लूड करना है और बीच के सारे एलिमेंट को भी इंक्लूड करना है। अब आगे देखो इसमें क्या होगा, माइनस वन और वन दोनों इंक्लूड है, माइनस वन और वन दोनों इंक्लूड है, तो क्या किए क्लोज ब्रैकेट दिए, माइनस वन और वन के बीच में क्या होगा एक्स, माइनस वन और एक्स के बीच में वन होगा, तो वन जो है माइनस वन जो है वो क्या है, माइनस वन वो एक्स क्या है छोटा है, और प्लस वन क्या है एक्स से बड़ा है, और साथ ही साथ दोनों माइनस वन और वन के इक्वल भी है एक्स, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन। अब देखो रेंज को भी इसी तरह से लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इस फॉर्मेट में लिखने के लिए, रेंज को इस फॉर्मेट में लिखने के लिए सबसे पहले देखो बाउंड्री दोनों साइड का लिख दो, माइनस पाई बाय टू और इधर पाई बाय टू, ठीक है, बीच में वाई दे दो, ठीक है, साइन ये वाला दो, ठीक है। अब ये चेक करो क्या हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है, यस क्लोज ब्रैकेट है, हमें इसे लेना है क्या, पाई बाय टू को लेना है, यस पाई बाय टू के भी बराबर ग्राफ हो सकती है, तो ये हो गया माइनस पाई बाय टू के भी बराबर होगा क्या, हाँ ये माइनस पाई बाय टू के बराबर भी ग्राफ है। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना ये लाइन माइनस पाई बाय टू है, माइनस पाई बाय टू के बराबर भी हमारी ग्राफ आ रही है, ओके, तो ये हो गया। अब इसी तरह से देखो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का ध्यान से देख दोस्त, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन लिखना है, क्या डोमेन, डोमेन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स बिलोंग्स टू करेंगे डोमेन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन से वन तक, कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से वन तक, ओपन या क्लोज, ओपन या क्लोज, यहाँ माइनस वन पे इंक्लूड है ग्राफ और प्लस वन पे भी हमारे ग्राफ आ रहे हैं, तो क्लोज ब्रैकेट। अब देखो इसको इस फॉर्मेट में सेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अब रेंज के लिए, देखो ध्यान से देखना रेंज क्या होगा, वाई बिलोंग्स टू रेंज, देखो ये जीरो, ये पाई बाय सॉरी पाई, ये जीरो वाई एक्सिस के अलॉन्ग पाए तक, जीरो से पाए, जीरो कमा पाए, क्या हमें जीरो लेना है, यस, क्योंकि हमारी ग्राफ इस जीरो के लाइन को भी टच कर रही है, क्लोज ब्रैकेट, क्या हमें पाए लेना है, यस हमारी ग्राफ पाए के भी लाइन को टच कर रही है, तो ये क्लोज ब्रैकेट, इसको इस फॉर्मेट में लिखो, ओके, ठीक है। अब देखो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ध्यान से देखना
ये माइनस पाई बाय टू का लाइन है और ये पाई बाय टू का लाइन है। देखो ध्यान से देखो, टेन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो इसमें कभी टच नहीं होगा, याद रखना, ग्राफ को याद रखना। हम वीडियो के लास्ट में आपको डिजिटली ग्राफ, सारा ग्राफ दिखा देंगे, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, देखो ध्यान से देखना, ये ग्राफ ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है। देखो ये हमारा क्या है, माइनस पाई बाय टू की लाइन है, माइनस पाई बाय टू की लाइन इधर बढ़ती जाएगी। ध्यान से देखना दोस्त, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। माइनस पाई बाय टू की लाइन ऐसे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहाँ तक आई, सॉरी ये मिट गया। ये देखो ये भी आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और इधर इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ओके, कभी भी ये ग्राफ का लाइन और हमारा ये माइनस पाई बाय टू का लाइन दोनों कभी भी नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा, ये ग्राफ का लाइन और माइनस पाई बाय टू का लाइन कभी नहीं मिलेगा, यानी कि माइनस पाई बाय टू को हमारे ग्राफ कभी टच नहीं कर पाएगी। सिमिलर केस ऊपर भी होता है, पाई बाय टू को भी, सॉरी पाई बाय टू ये ग्राफ नहीं है, पाई बाय टू हमारा ये है, ये जो लाइन जा रहा है ना ये पाई बाय टू है। ओके, और हमारी ग्राफ जो जा रही है वो बिल्कुल पाई बाय टू के बगल से जा रही है, बिल्कुल बगल से, और कभी भी पाई बाय टू को टच नहीं कर पाएगी, कभी भी पाई बाय टू को टच नहीं कर पाएगी। अब देखो रेंज क्या होगा, ध्यान से, सॉरी डोमेन क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे ग्राफ इधर जा रही है, जा रही है, कहाँ तक जा रही है, माइनस, इधर माइनस होता है ना, चूँकि देखो ये नंबर लाइन है, इसके नेगेटिव साइड, सॉरी इसके नेगेटिव साइड इधर होगा ना, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है ना, तो इधर जा रहा है माइनस की तरफ, जा रहा है, जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है कोई पता नहीं, कहाँ तक जा रहा है कोई पता नहीं, इन्फिनाइट तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो क्या ये इधर कहाँ तक जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इन्फिनाइट तक जाएगा, कम प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। देखो मैंने ओपन ब्रैकेट यहाँ पे लगाया, मैंने क्या लगाया, ओपन ब्रैकेट, क्यों आप बोलोगे, देखो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे मैंने ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, देखो इन्फिनिटी जो है वो एक नंबर नहीं है, वो कोई एक परफेक्ट नंबर, जैसे फोर को इंक्लूड करना है, ऐसा कोई नंबर नहीं है इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनाइट एक नंबर नहीं है, इन्फिनाइट प्लस वन भी इन्फिनाइट होगा और इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट भी इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट प्लस वन इज इक्वल टू इन्फिनाइट एंड इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट इज ऑल्सो इन्फाइनाइट। ओके, तो ये इन्फाइनाइट एक नंबर ही नहीं, तो आप उसको लोगे कैसे, जब वो एक नंबर है ही नहीं तो उसको इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे, इसका सवाल कैसे आ रहा है। इन्फाइनाइट आपका नंबर है ही नहीं, इन्फाइनाइट आपका नंबर है ही नहीं, तो उसको इंक्लूड करने की तो बात ही नहीं है। ओके, तो ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। अब देखो इसको किस तरह से लिखना है, इस फॉर्मेट में क्या होगा, आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए तो थोड़ा सा, यस 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 यस, देखो माइनस इन्फाइनाइट, इधर इन्फाइनाइट, बीच में x, बीच में x, ठीक है, साइन कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब बताओ क्या हम लोग इसमें इक्वल टू का साइन देंगे, सोच के जवाब देना भाई, इक्वल टू का साइन देंगे, यहाँ पे जो हम इक्वल टू का साइन दिए थे क्या वो इसमें इक्वल टू का साइन देंगे, नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि इन्फाइनाइट नंबर नहीं है, उसके इक्वल हमारी ग्राफ नहीं जाएगी, ओपन ब्रैकेट था। तो ये हो गया डोमेन। अब देखो रेंज क्या होगा, रेंज को y से क्या होगा, रेंज देखो ध्यान से देखना, ये इसके बिल्कुल करीब है, माइनस पाई बाय टू को टच नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ, और इसके बगल से बिल्कुल सट के जा रहा है ग्राफ, बिल्कुल सट के। ओके, एक समय ऐसा आएगा कि ये पाई बाय टू और इन्फिनाइट के बीच का कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचेगा जो कि ग्राफ ने कवर नहीं किया हो, सिर्फ और सिर्फ एक अगला क्षण जो है वो ग्राफ पाई बाय टू पे रखने ही वाले होगी, लेकिन पाई बाय टू को कभी ग्राफ हमारी टच नहीं कर पाएगी और उसके नियरेस्ट जैसे यहाँ तक आ जाएगी। ओके, पाई बाय टू को ग्राफ टच नहीं कर पाएगी, जिस कारण हमारी ग्राफ जो है वो पाई बाय टू पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि इंक्लूड उसको नहीं करना है। तो रेंज क्या होगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। देखो कॉस इनवर्स एक्स का फिर से हम देख रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ फो, हिंदी का फो, उसका उल्टा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, उसका उल्टा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, जब उस फो को सुता दिया तो लेटा दिया, ऐसे 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 रोटेट किया तो वो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ। डोमेन लिखना था, क्या डोमेन लिखना था, देखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है। ये जैसे ही आपके माइंड में ग्राफ सेट हो जाएगा, और एक बात याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डोमेन और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रेंज लिखते हैं, तो अपने आप लोग डोमेन लिख दीजिएगा। देखो फिर भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डोमेन है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा है, ऐसा उल्टा फो,
तो क्या माइनस वन से वन, माइनस वन से वन, और कॉस इनवर्स एक्स का माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, दोनों को इंक्लूड किए हैं, दोनों को इंक्लूड किए हैं। सिमिलर कॉस इनवर्स देखो, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन सेम था, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन सेम था। रेंज में देखो, रेंज में देखो, साइन इनवर्स एक्स का रेंज और कॉस टेन इनवर्स एक्स का रेंज दोनों सेम है। डिफरेंस कितना सा है कि इसमें क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का देखो, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, जीरो से पाई, जीरो से पाई इंक्लूड। अब अच्छा एक बात ध्यान, तुम लोग नोटिस क्या किया, ध्यान से देखो एक सेकेंड, तुम ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ है हमारा, इसके ऊपर भी ग्राफ जा रही है और नीचे भी आ रही है। हमारा ग्राफ इस नंबर लाइन के ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। इसमें इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रही है। कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ में जो ग्राफ ड्रा होगा वो सिर्फ ऊपर में ड्रा हो रही है, टेन में ऊपर नीचे दोनों जगह ड्रा हो रही है। ठीक है, तो देखो ये जो जीरो है इससे ऊपर ही हमारे ग्राफ हो रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, जीरो से ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। जीरो से ऊपर, अरे देखो नंबर लाइन के ऊपर अगर तुम ड्रॉ करोगे, इस नंबर लाइन के ऊपर जब तुम नंबर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स जो है, कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव होगा। सिमिलर यहाँ पे देखो, इसके ऊपर ही ग्राफ ड्रॉ होगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हम कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, देखो उसको किस तरह से याद करेंगे। ये टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ फोर को सुता दिए थे, ऐसा हुआ, देखो ये ऊपर गया, ये ऊपर गया। अच्छा जब तुम छत पे जाते हो तो क्या नीचे भी आते हो, यस, उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स का जब ग्राफ ऊपर गया तो वो नीचे भी आएगा, वो नीचे भी आएगा। यहाँ से देखो अब ये क्या होगा, नीचे आएगा, जिस तरह से ऊपर गया था सेम उसी डायरेक्शन में नीचे आ गया। ये क्या हुआ, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हुआ साइन का उल्टा, हुआ टेन का लेटा हुआ, हुआ जब लेटा हुआ ऊपर गया उसको नीचे कर दो तो वो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। चारों ग्राफ आपको याद रहेगा, चारों ग्राफ आपको याद रहेगा। देखो ये ऐसे ऊपर चढ़ा हुआ था और फिर यहाँ से ऐसे नीचे आ गया। ये लाइन क्या है, जीरो, ये पाई और ये पाई बाय टू, जीरो और पाई के बीच में पाई बाय टू। देखो ध्यान से देखना, हमारे ग्राफ जो है, जो हमारा ग्राफ है वो जीरो को टच करेगा, नहीं करेगा, और पाई बाय टू, सॉरी पाई को टच करेगा, नहीं, पाई बाय टू पे तो ये इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, इसका डोमेन लिखना है, क्या डोमेन, क्या होगा डोमेन, एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ, कहाँ पे, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो बताओ तो भाई एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ क्या है, कहाँ से कहाँ तक, देखो भैया इधर माइनस इनफिनाइट तक और इधर प्लस इनफिनाइट तक, सेम टेन इनवर्स की तरह। देखो ये इधर जाएगा, जा रहा है, जा रहा है, ये एक्सिस भी आगे बढ़ रहा है और ये ग्राफ भी आगे बढ़ रहा है, दोनों कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा, दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, तब पर भी ये दोनों आपस में नहीं मिलेगा। ओके, ये पाई बाय टू है और लास्ट में यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ये पाई बाय टू है, बिल्कुल उसके करीब रहेगा लेकिन उसको टच नहीं करेगा। ओके, देखो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक, ये इधर जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस इन्फिनाइट तक और इधर जा रहा है प्लस इन्फिनाइट तक। क्या होगा डोमेन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वही सेम कंडीशन। ओपन ब्रैकेट क्यों दिए, यहाँ पे अभी जस्ट बताए थे। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में लिखो, माइनस इनफिनाइट। क्यों ओपन ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि इनफाइनाइट एक नंबर नहीं है, इनफाइनाइट एक नंबर नहीं है, इसलिए वो जब वह नंबर है ही नहीं तो उसको इंक्लूड क्या करोगे। ठीक है, अब रेंज क्या होगा, रेंज y बिलोंग्स टू, देखो y y एक्सिस के अलोंग हमारे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। अरे लिखो, कोई इसका रेंज लिख सकता है क्या, वीडियो पॉज करके आप लोग अपने कॉपी में लिखिए और फिर मिलाइएगा, सही हो रहा है क्या। ध्यान से देख दोस्त, ये जीरो है और ये पाया है, ये जीरो है ये पाया है, उसके बीच हमारे ग्राफ लाई कर रही है, उसके बीच हमारे ग्राफ लाई कर रही है। देखो जीरो और पाई के बीच ग्राफ है। ठीक है, ये पाई बाय टू नहीं होगा, ओ ये सॉरी, ये पाई बाय टू इस टेन का था। ठीक है, देखो ये जीरो और ये पाई के बीच ग्राफ लाई कर रही है, ये जीरो को टच नहीं करेगी और पाई को भी टच नहीं करेगी, तो कौन सा ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट। ये चारों का चारों ग्राफ आपके समझ में आ गया, कॉस इनवर्स एक्स का फोर, साइन इनवर्स एक्स का उल्टा फोर, टेन इनवर्स एक्स का लेटा हुआ फोर, और उसी को जब ऊपर गया था लेटा हुआ फोर, नीचे आया कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब क्या है, कोजेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो कोसेक होता किसका उल्टा है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा था, उल्टा फो, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ उल्टा फो,
देखो वहाँ पे पहले हम उल्टा वाला ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये माइनस वन का लकीर है और ये प्लस वन का लकीर है। उल्टा फो यहाँ से ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। देखो ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। ये यहाँ पे आया, यहाँ पे ऐसे आया ना ऐसे, इसको आप ऐसे वापस भेज दो। मैंने क्या कहा, इस तरह से गया था फिर इस तरह से वापस भेज दो और इस तरह से वापस भेज दो और इसको इन्फिनाइट तक भेज देना, ठीक है। जैसे टेन वाला और कॉट वाला इन्फिनाइट तक जा रहा था, उसी तरह से इसको यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे नीचे बुलाओ और इन्फिनाइट तक भेज दो। सिमिलर इधर भी उसी तरह से करना है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको इधर इस एक्सिस के बगल से निकालना है, इन्फिनाइट तक भेज देंगे, ठीक है। देखो ये कोजेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा हुआ, साइन इनवर्स एक्स का ड्रॉ कर दिए, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिए। माइनस वन और वन पे हमारी ग्राफ टच कर रही थी जीरो, सॉरी माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को, ठीक है। इन दोनों एक्सिस को इस जगह पे टच कर रही थी और इसको मैंने क्या कहा, यहाँ पे आया माइनस वन पे और इसको इस जगह से ऐसे रिफ्लेक्ट करवा दो और रिफ्लेक्ट इस तरह से कराओ कि ये इधर ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन जो हमारा जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस जो है इस एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा, ओरिजिन का जो एक्सिस है, ठीक है। इधर भी ओरिजिन के एक्सिस को हमारे पाई बाई टू से आने वाले ग्राफ की रेखा इंटरसेप्ट नहीं करेगी और इनफाइनाइट तक चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ रिमूव कर दो, ठीक है, इसको भी रिमूव कर दो। जो बचा आपका वो हुआ किसका, कोजेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। कोजेक इनवर्स एक्स सी ओ एस ई सी को सी एस सी भी लिखा जाता है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। देखो ये बीच में था तो सेक का कहाँ जाएगा, नीचे कहाँ जाएगा, एक्सिस नीचे आएगा, ये जीरो और ये पाई, ये मिडल एक्सिस। अरे बोलो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, फो कॉस इनवर्स एक्स का फो ऐसे कर दिए, ये प्लस वन और इधर माइनस वन, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आया इधर ऐसे जाएगा, यहाँ पे आया इधर ऐसे जाएगा। साइन में बताए थे, कोजेक इनवर्स एक्स में बताए थे ना, जहाँ पे आया उस जगह से इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर दो और इधर इसको रिफ्लेक्ट कर दो और इन्फिनाइट तक भेज देना, ठीक है। और जितना भी एक्स्ट्रा ड्रॉ किए थे कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ ड्रॉ किए थे उसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ बन गया हमारा, सेक इनवर्स एक्स का। बताओ इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जा रही है। देखो ध्यान से देखना इसका डोमेन क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से। देखो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक आएगा, माइनस वन तक, ओके। माइनस वन को इंक्लूड करोगे, ठीक है, माइनस वन को इंक्लूड करोगे, इधर यूनियन, इधर यूनियन, प्लस वन से कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस वन से कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस वन से प्लस इनफाइनाइट तक। ये क्या हुआ इसका डोमेन। और रेंज क्या होगा, देखो रेंज क्या होगा, रेंज वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से पाई तक। देखो एक्स बिलोंग्स टू ये डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, और रेंज वाई बिलोंग्स टू, रेंज देखो जीरो से पाई तक हमारी ग्राफ जा रही है, जीरो से पाई तक, ठीक है। जीरो को भी इंक्लूड किए हैं यहाँ पे और पाई को भी इंक्लूड किए हैं, तो क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो क्या जीरो और पाई के बीच में ये क्या लाइन है, पाई बाई टू, क्या हमारी ग्राफ इस पाई बाई टू को टच करेगी, नहीं, ये आगे बढ़ता जाएगा इधर और इधर भी आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन पाई बाई टू वाले लाइन को कभी भी हमारी ग्राफ टच नहीं करेगी। तो इस पाई बाई टू को छोड़ देना। अगर सिंगल नंबर, मैंने क्या कहा ध्यान से सुनना, अगर सिंगल नंबर सिंगल एलिमेंट को अगर बाहर करना हो किसी सेट से, तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर माइनस करके लिख दो, ठीक है। ये हो गया इसका रेंज और ये हो गया इसका डोमेन, ध्यान से देखना। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन फिर से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन ध्यान से देखना, हमारी ग्राफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कहाँ से कहाँ तक जा रही है। देखो हमारी ग्राफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ध्यान से देखो। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारी ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इधर माइनस इनफाइनाइट से आया और माइनस वन पे गिरा, फिर उधर कहाँ पे चला, प्लस वन से आया एक्स एक्सिस पे, प्लस वन से आया और कहाँ पे गया, प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस वन से आया और प्लस इनफाइनाइट तक। देखो
ये माइनस वन है, यहाँ से चला कहाँ तक गया, माइनस इनफाइनाइट तक। उधर यहाँ पे प्लस वन से चला कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, और इधर प्लस वन से इनफाइनाइट तक। देखो इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, जिस कारण इसको आगे क्या लगा, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इन्फाइनाइट एक नंबर है ही नहीं, तो आप इसको इंक्लूड कैसे करोगे। और यहाँ पे माइनस वन वाले केस में क्या हुआ कि माइनस वन के पास हमारी ग्राफ आई थी, इस पर देखिए डार्क सर्कल है, जिस कारण हम इसको ऐड किए। और दो दो सेट को ऐड करने के लिए यूनियन दिया जाता है, दो अगर सेट को ऐड कीजिएगा तो आप लोग उसके बीच में यूनियन दिया जाता है, ठीक है। इधर वन से लेके कहाँ तक था, इनफाइनाइट तक, यूनियन वन से इनफाइनाइट तक, ठीक है। देखो इन दोनों सेट को ए बी, इधर देखो यहाँ पे सी है और इधर डी, इसके बीच का डिस्टेंस हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, अगर ए बी और सी डी दोनों इंक्लूड है, सिर्फ और सिर्फ बीच वाला डिस्टेंस को आपको नहीं लेना है, तो कैसे करोगे। इस नंबर लाइन पे देखो ए से बी तक इंक्लूड करना है, सी डी भी इंक्लूड करना है, सी से डी तक, लेकिन ये बीच वाला इंक्लूड नहीं करना है। तो देखो क्या होगा, ए कामा बी, ए इंक्लूड है क्लोज ब्रैकेट, बी भी इंक्लूड है क्लोज ब्रैकेट, सी कामा डी दोनों इंक्लूड है क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इसको यूनियन कर दो, जोड़ दिए, बीच वाला आ रहे अथवा ना रहे, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना सा ही, ये इतना हुआ और ये इतना हुआ, बाकी इधर का भी नहीं आया और इधर का भी नहीं आया, और सिर्फ क्या लिया हम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। एक बार फिर से देखिए सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ ड्रा हुआ था, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का, ये इसको ऐसे ऐसे बाहर किए थे और यहाँ से ऐसे बाहर किए थे, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डोमेन होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा ग्राफ कहाँ गया था, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक, और इधर वन से प्लस इनफाइनाइट तक, ओके समझ में आ गया। एक बार फिर से सारा ग्राफ हम रिवाइज कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ फो, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ फो, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ उल्टा फो, उल्टा फो, टेन इनवर्स एक्स का, जब इसको देखो, जब इसको ऐसे इस डायरेक्शन में, जब आप इसको इस डायरेक्शन में जब आप इसको झुकाओगे तो वो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे झुका हुआ फो, ये फो, ये उल्टा फो, ये झुका हुआ फो ऐसे, और फिर यहाँ पे जब ये ऊपर गया तो नीचे भी आएगा, ये कॉट इनवर्स एक्स का हो गया। कोजेक इनवर्स एक्स का साइन का ग्राफ बनाना है और वहाँ से इसको बाहर दोनों तरफ कर देना है, उसी तरह से सेक में कॉस का ग्राफ ऐसे बनाना है, यहाँ से इसको इधर और इसको इधर कर देना है बाहर, और इसको मिटा दीजिएगा, ठीक है। डोमेन रेंज लिखते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्या एक्स एक्सिस को ग्राफ जहाँ तक कवर करेगी वो डोमेन होगा, और वाई एक्सिस को ग्राफ जहाँ तक कवर करेगी वो रेंज होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को ग्राफ जहाँ तक कवर करेगी वो डोमेन, वाई एक्सिस को जहाँ तक ग्राफ कवर करेगी वो रेंज। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था, माइनस वन से वन, यहाँ से यहाँ तक, ओके। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था, माइनस वन से वन, यहाँ से यहाँ तक। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ डोमेन क्या था, माइनस पाई बाय टू से, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसका क्या था, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इसका डोमेन क्या था, माइनस इनफाइनाइट से वन तक, यूनियन वन से इनफाइनाइट तक, कहाँ से, वन से इनफाइनाइट तक, कैसे, इधर माइनस इनफाइनाइट तक और यहाँ पे माइनस वन पे आके रुका ग्राफ, फिर यहाँ पे प्लस वन से स्टार्ट हुआ और प्लस इनफाइनाइट तक गया। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था, सेक इनवर्स के लिए ऐसा ग्राफ था कुछ क्या, ठीक है, माइनस माइनस इनफाइनाइट से यहाँ माइनस वन तक, यूनियन वन से इनफाइनाइट तक, वन से इनफाइनाइट तक। देखो ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, ये कॉट का, और ये कॉसेक का, और ये सेक का, इसमें नोटिस करो कुछ दिख रहा है क्या, जो साइन का डोमेन आया, जो साइन का डोमेन आया क्या वही डोमेन कॉस का है। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम होता है। देखो साइन इनवर्स एक्स का भी माइनस वन से वन तक, कॉस इनवर्स एक्स का भी माइनस वन से वन तक, इधर टेन इनवर्स एक्स का माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, कॉट इनवर्स एक्स का भी वही माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, सेम उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का ये वही कोसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। रेंज में क्या था इसका, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक गया था, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। अरे देखो y एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक ग्राफ आया था क्या, दोनों इंक्लूड था, इसमें जीरो से पाई तक दोनों इंक्लूड था। टेन इनवर्स एक्स का माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक कोई इंक्लूड नहीं था।
इसका कॉट इनवर्स एक्स का जीरो से पाई तक कोई इंक्लूड नहीं था, ठीक है। और इसमें इसमें क्या हुआ, देखो इसमें माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, सॉरी दोनों इंक्लूड था ना, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, ये किसका है, कोजेक इनवर्स एक्स का, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। अब देखो किसको हमने लिए थे, जीरो को, माइनस जीरो, जीरो को भाई क्यों नहीं लिए, जीरो को क्यों नहीं लिए कोजेक इनवर्स एक्स में, क्योंकि इस लाइन को हमारे ग्राफ टच नहीं कर रही थी। उसी तरह से सेक का क्या हुआ था कि सेक का ग्राफ कुछ ऐसा था क्या, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, सेक में क्या हुआ था कि माइनस पाई बाय टू पे हमारी ग्राफ टच नहीं कर रहे थे, तो सेक का रेंज क्या हुआ, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, पाई बाय टू, इसमें से बाहर किसको किए थे, माइनस सॉरी पाई बाय टू को, ठीक है। अब देखो रेंज ध्यान से देखना, जो साइन का रेंज है क्या वही टेन का रेंज है, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस है, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन, साइन का रेंज और टेन का रेंज सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस है। जो कॉस का रेंज है, जो कॉस का रेंज है क्या वही कॉट का रेंज भी है क्या, देखो माइनस जीरो से पाए और यहाँ भी जीरो से पाए, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस। अब देखो सेक और कोसेक में, सेक और कोसेक में माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, इसमें जीरो बाहर की और इसमें माइनस पाई बाय टू बाहर के, इसमें जीरो इसमें माइनस पाई बाय टू। देखो ये कोसेक एक्स, देखो कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, और साइन जीरो कब होता है, जीरो पे साइन जीरो कब होता है, जीरो डिग्री, इसीलिए जीरो को हम लोग बाहर कर दें, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, सेक का उल्टा कॉस होता है, और कॉस कब जीरो होता है, कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो, 90 डिग्री को रेडियन में पाई बाय टू बोलते हैं, ठीक है। अरे ये गलत हो गया, देखो ग्राफ तो यहाँ से यहाँ तक था ना, जीरो से पाए तक ना, यहाँ पे जीरो से पाए होगा, ठीक है। सेक में क्या होगा, जीरो से पाए तक, जीरो से पाए तक ग्राफ गया, जीरो से पाए तक उसमें इंक्लूड किसको नहीं करना था, पाई बाय टू को, पाई बाय टू को इंक्लूड क्यों नहीं किए, क्योंकि सेक का उल्टा, क्योंकि ग्राफ में दिखाए थे, और याद करने के लिए सेक का उल्टा कॉस होता है, और कॉस जीरो पे, कॉस जीरो पे जो है जीरो आता है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल आगे इससे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।